हम बाबा जी से रिक्वेस्ट करते हैं, बाबा जी मैं आपके जिले का हूँ, बाबा जी हमारे बहुत गरीब आदमी है, मैंने देख लिए देश तो नहीं कहेगा गद्दारी किया। चलिए ठीक है, हम देश के लिए हमारा बच्चा मरा है, कोई बात नहीं, नहीं सम्मान मिला नहीं मिला, हमको नहीं सम्मान चाहिए, लेकिन चलिए नहीं विवाद नहीं चाहिए साहब, विवाद कोई लेकर हम अपने बच्चे को बिना सम्मान के फेंके गए। सरकार से क्या मांग है? सरकार से बस क्या मांग करूँ, जब फौज फूल फूल कर रही है कि कोई सम्मान नहीं मिलेगा और आपका जो हमारे आदमी जाएंगे तो आप हमला करेंगे, तो सरकार से क्या कहूँ। एक बात और क्या कहूँ, सिक्किम बॉर्डर पे सौ को रख करके सब फट गए थे, अंधेरे में वहाँ रख के 10 घड़ा की बात की गई, हमसे फोन पर किया गया तुम्हारा लड़का गुम हो गया, फिर 2 बजे फोन हुआ तुम्हारे लड़के से 5 बजे बात करा दी जाएगी, 5:20 में फोन आया तुम्हारा लड़का सुसाइड कर लिया, 9 बजे फोन आया कि वहाँ से आदमी भेजो, मैंने अपने भाई को 2 आदमी और भेज दिया, वहाँ से नीचे उतार करके बोला मैं अभी हम लोग आ रहे हैं पीछे पीछे आप लेकर जाओ, ये लोग आए 1 मिनट बाद फिर रुक गए, फिर लोग बोला कि विश्वास करो हम लोग आ रहे हैं, यहाँ फोन कर रहा है कि हम आ नहीं पाएंगे, आप लोग दाह संस्कार हमारा भाई मारा गया, हम साथ रहे, हमारा पुलिस से कोई शिकायत नहीं, पुलिस से नहीं है, लेकिन फौज नहीं 6 करोड़ ले हमसे सुन लो, हमारा जो है बाबा जी से गुजारिश करता हूँ, बाबा जी इसका क्या दोष है भाई, हमारी एक लड़की है अभी शादी नहीं हुई है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं बेरोजगार। मुख्यमंत्री जी हमारा लड़का मुख्यमंत्री करके अब देश की सेवा में लगा, लेकिन आज लड़का भी चला गया, आज सम्मान भी चला गया। बाबा जी आपकी उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मांग है? हम यही मांग रहे हैं बाबा जी से कि हम हमारी देखभाल करें, हमारे बच्चे को पहले सम्मान दिलाइए, हमारी लड़की है उसकी कैसे मैं शादी विवाह करूँगा, हम लोग का पालन पोषण कौन करेगा। हम बाबा जी से रिक्वेस्ट करते हैं, बाबा जी मैं आपके जिले का हूँ, बाबा जी हमारे बहुत गरीब आदमी, मैंने देख ही लड़का था, आर्थिक स्थिति खराब के नाते मैंने फौज में सौंप दिया था, मैं नहीं समझा कि हमारे लड़के की यह दशा होगी, नहीं है दशा होगी। फौज के लोगों ने कहा कि सुसाइड किया है, लेकिन आपको क्या लगता है? नहीं तो फौज के लोग कई तरह की बात करते हैं तो कैसे विश्वास करूं, जब फौज पर विश्वास ही नहीं मेरा, मिली भगत है सब, तो वो कैसे विवाद मैं मान लेता कि मेरा लड़का सुसाइड किया है, लेकिन फौज 3-4 तरह की बात कर रही है। मेरा पुलिस प्रशासन से कोई शिकायत नहीं, मेरा पुलिस प्रशासन से कोई झगड़ा नहीं, मेरा बस बाबा जी मेरे ऊपर गौर करें, बाबा जी मुझ पर दया करें, बाबा जी मुझ पर दया करें, बाबा जी बस बाबा जी बोला क्या क्या वो लखनऊ में बाबा जी के गृह बाबा जी जो है कोई आला अधिकारी जो मांग हम लोग का मान सके। हाँ यहाँ सब प्रशासन आई है ना, प्रशासन पूरा लिखित यहाँ पर दे कि क्या क्या सम्मान मिल रहा है परिवार को। अब तो जो जाना था जाएगा, परिवार भीख मांगे खाए, हाँ यही सम्मान होगा। अभी बाड़ी भी नहीं जाएगी, बाड़ी जाएगी नहीं जब तक यहाँ पर कोई गवर्नमेंट जब तक जो है प्रशासन को 1 करोड़ का मुआवजा दे तबला से आंसू उठेगा। बाबा कोई अधिकारी को भेजे यहाँ पर, इस देश के लड़के इतने गिरे हुए हैं, सैनिक इतना गिरा, शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। हाँ कल के लिए हम लोग वहाँ से आएंगे तो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, ये क्या मतलब हुआ शासन प्रशासन का। भारतीय फौज पे इतना विश्वास था कि सच्चाई पे, लेकिन भारतीय फौज भी बिक गई है, बिक गई है, निकम्मे है साहब ना। अरे जैसे आपने कहा कि डॉक्टर संबंधित जान के बाजी लगा के भाई हमारा गया था, रह रहे हैं उस तरह नहीं गया था, निकलौता था। अब माँ बाप कैसे जियेंगे?